अभी बज रहे हैं 12 और निकल रहे हैं हम उज्जैन से कोटा के लिए। तो अब जाएंगे कोटा, वहाँ पे घूमेंगे, एक वहाँ पे गडेरिया महादेव है वहाँ पे जाएंगे, और फिर देखते हैं आज स्टे कोटा में करते हैं या फिर वहाँ से सीधे घर निकल जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। निकलते हैं जी यहाँ से, हर हर महादेव। तो जी उज्जैन से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी कोटा, और कोटा की दूरी है यहाँ से 250 किलोमीटर, और हमें यार हम पहुँच जाएंगे लगभग 4:30 बजे के आसपास। और यार हाईवे काफी अमेजिंग है। तो अभी हम आए हैं शिवाय रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए, लंच करते हैं भाई यहाँ पे, अभी टाइम हुआ है 1 बज रहे हैं अभी। तो जी अपना लंच आ चुका, तो भाई अभी खाते हैं इसको फटाफट, भूख लगी है काफ़ी तेज, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी हमने, ब्रेकफास्ट नहीं किया आज हमने, तो अभी खाते हैं। तो लंच करके निकल चुके हैं और लंच काफ़ी अच्छा था, बढ़िया टेस्ट था यार, और बिल्कुल ऊपर तक खा लिया है, अब नहीं रुकेंगे बीच में कहीं खाने के लिए। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं और कोटा बचा है यहाँ से लगभग 54 किलोमीटर। ये जो रेलवे ब्रिज है ना, ये इसमें ना एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है, इसलिए यहाँ पे जाम लगता है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, अगर उधर से गाड़ी आ गई ना, ये रुक गई इधर से, तो फिर तो बहुत टाइम रुकना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो बाबे अभी ना हमारा शीशा बच गया यार, एक रोड़ी आके लगी बहुत तेज, अभी पता नहीं यार क्रैक ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं। ये देखो ये जो है ना, ये चीज़ है यहाँ पे, ये यहाँ पे लगी एक रोड़ी यहाँ पे, अब देखते हैं यार ये क्रैक बढ़ेगा क्या होगा इसका। तो यार देखते हैं, अगर ये बढ़ाना तो फिर इसको चेंज कराना पड़ेगा, ये कांड हो गया बुरे वाला यार। चलो देखते हैं क्या होता है इसका। तो जी कोटा सिटी पहुँच चुके हैं, ये है कोटा सिटी। तो अभी जा रहे हैं हम गरडिया महादेव मंदिर, जो कि कोटा में चंबल रिवर के पास है। कोटा के फेमस सस्पेंशन ब्रिज पे आ चुके हैं, और ये देखो पूरा ब्रिज सिर्फ 2 पिलर पे रुका हुआ, ये मस्त बना रखा है ये ब्रिज बिल्कुल चंबल रिवर के ऊपर। ये देखो ये सिर्फ इन 2 पिलर के ऊपर पूरा ब्रिज बना हुआ है ये। तो भाई अभी यहाँ से गरडिया महादेव बचा हुआ है लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास। तो जी गरडिया महादेव के लिए हम मेन रोड से आ चुके हैं लेफ्ट, और ये रास्ता है मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है गरडिया महादेव, और अब जाएंगे जंगलों के बीच में से। ये है गरडिया महादेव का रास्ता, जंगल तो नहीं आ, लेकिन चारों तरफ ये छोटे छोटे पेड़ है किक करके सूखे हुए, चारों तरफ पेड़ है, तो ये जंगल टाइप में ही है, टाइगर रिजर्व ही है ये। पर ऐसा कुछ रास्ता है, और बारिश के टाइम पे क्या रास्ता लगेगा ये, क्या गजब की सुंदरता होगी यहाँ पे। ओए देखो यहाँ से तो रास्ता खत्म है ये बिल्कुल, इस जगह तो अरे टूटा हुआ है वो, मतलब बिल्कुल रास्ता बिल्कुल खराब है, ऑफ रोडिंग है यहाँ पे तो पूरी की पूरी। तो गरडिया महादेव आते हो तो यहाँ पे ना ड्रोन अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, आप इसमें जो ये रिजर्व टाइगर रिजर्व है यहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। कई बंदों ने ट्राई भी किया लेकिन फिर उनको ना बाद में वीडियो डिलीट कर दी और फाइन भी लगाया था शायद। तो भाई अगर आप भी आओ ड्रोन लेके आओ तो ड्रोन मत उड़ाना यहाँ पे, ड्रोन फ्लाई करना मना है। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पूरी नदी आती है मस्त, तो भाई यहाँ पे यार बारिश के टाइम पे एक बार तो आना बनता है बिल्कुल। ये आ गया जी टाइगर रिजर्व, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व। गरडिया महादेव तो हम जा नहीं सकते अभी, क्योंकि वहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह से लगभग 7 बजे से लेके 5:30 बजे तक शाम के, तो अभी बंद एंट्री बंद हो चुकी है यहाँ पे, अभी जा नहीं सकते, हमें अभी 6 बजे हैं। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, नदी का व्यू जो यहाँ से मिलता है वो अगर हमें आगे से मिल गया तो वो देख के आएंगे फिर अभी। तो अगर आप भी आओ तो टाइमिंग का ध्यान रखना, यहाँ से
सुबह 7 बजे से 5:30 बजे और आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, और फीस लगती है पर पर्सन 150 रुपये, और अगर आपके पास व्हीकल आप गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी के चार्ज दीजिए 400। तो मैं अभी आगे जा रहे हैं, यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर आगे नदी आती है दोबारा, तो अभी हम जा रहे हैं ज्वार सागर डैम जो कि है यहाँ से लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पे देखते हैं यार नदी का व्यू आ गया, तो जो व्यू हमें यहाँ से चाहिए था अगर वो मिल गया वहाँ पे तो यार फिर तो सही है, हमारा आना सफल हो जाएगा। यहाँ पे आती है असली फील जंगल, यहाँ पे है बिल्कुल जंगल। अभी 11 किलोमीटर के लिए 23 मिनट दिखा रहा है अभी, लेकिन मेरे को लगता है ज्यादा ही लग जाएंगे जिस हिसाब से रोड है ना। तो ये यहाँ पे देखो ये पूरी नदी आती है यहाँ पे बारिश के टाइम पे, बारिश के टाइम पे तो यार ये जगह जन्नत से कम नहीं है। अगली बार ना यहाँ पे आऊंगा तो बारिश के टाइम पे ही आऊंगा। ये भाई इस पूरे रोड पे ना हमें पहली गाड़ी मिली है, ये पहली गाड़ी मिली नहीं तो इस रोड पे ना हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारे अलावा कोई भी नहीं है इस रोड पे। और सनसेट होने वाला है अभी थोड़ी देर बाद ही। तो ये गांव आया भाई और यहाँ पे है नाकाबंदी, देखते हैं आगे जाने देंगे या नहीं। ये भाई देखो देसी गांव बिल्कुल ठेठ देसी। अब यहाँ पे ना एंट्री करा रहे हैं हम भी, तो यहाँ पे क्या क्या एंट्री में क्या पूछा इन्होंने, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे, डॉक्यूमेंट मतलब क्या पूछा इन्होंने, आईडी, आपका नेम, मोबाइल नंबर और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अच्छा अच्छा यहाँ पे आईडी चाहिए इनको, फिर आगे जाने देते हैं। चलो ठीक है भाई अभी यहाँ पे एंट्री करा दिया, अब आगे देखते हैं कैसा क्या व्यू आएगा, घूम फिर के निकलते हैं। और वैसे अगर आप यहाँ पे आते हो डैम के पास तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो, स्टे का ऑप्शन भी है यहाँ पे। भाई फीलिंग तो पूरी है यहाँ, देखो ये पूरे गांव देसी विलेज। ये है जी चंबल रिवर और ये है ज्वार सागर डैम। इस व्यू के लिए हम जा रहे थे गरड़िया महादेव, गरड़िया महादेव से ना आपको बिल्कुल जो अमेरिका में ना ग्रैंड कैनियन वैसा व्यू आता है वहाँ से बिल्कुल, बट यार व्यू यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है। और ये डैम सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। हम गरड़िया महादेव नहीं जा सके लेकिन यहाँ पे आए और सही किया यार हमने यहाँ पे आके, क्योंकि ये जगह भी काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। तो अभी जा रहे नीचे डैम पे, डैम से व्यू लेते हैं अभी चंबल रिवर का। मोर मोरनी राजस्थान के देसी गांव, देसी विलेज, देसी लाइफ। ए मजे ले रहा है दीवार पे बैठ के, शांति भरी जिंदगी का आनंद उठा रहा है। ये एरिया अच्छा यार, विलेज लाइफ, मरजानी लाइफ। ये इस गांव में ना रास्ते अच्छे बने हुए हैं, इससे पहले तो खराब थे पर इस गांव में अच्छे रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे एक और चेक पोस्ट आई है जस्ट डैम से थोड़ी पहले, तो यहाँ पे भी अभी एंट्री करानी होगी, उसके बाद आगे जा सकते हैं हम। अभी राजीव गया एंट्री कराने। जी खोल चुके हैं डैम पे, ये द्वार सागर डैम। ये है जी ज्वार सागर डैम और ये है चंबल रिवर पे बना हुआ है, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, ज़बरदस्त। और ये है चंबल रिवर और ये वैली, गजब भाई गजब, ज़बरदस्त। तो जी गरड़िया महादेव बनता है, इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम यहाँ पर आ गए ज्वार सागर डैम पे, अदरवाइज अगर गरड़िया महादेव ओपन होता तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते और इतनी खूबसूरत लोकेशन को नहीं देख पाते। तो वो ये जी कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो ये भी हमें फ़ायदा हुआ यहाँ आके। और ये है भाई गजब यार, बहुत सुंदर। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस कोटा के लिए।
तो अभी निकल रहे हैं भाई कोटा की तरफ, कुछ वहाँ पे जाके हल्का फुल्का देखते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे और फिर निकल जाएंगे घर। और भाई ये है शानदार जगह, ये शानदार, बहुत ही शानदार। अगर आप करेडी महादेव आओ तो जोहार सागर डैम भी ज़रूर आना भाई, मज़े ही आ जाएंगे। तो हम निकल चुके हैं जोहार सागर डैम से कोटा की तरफ, और अब की बार ना एक नए रास्ते से जाएंगे। हम उस तरफ से आए थे डैम के उस तरफ से, उस गांव में से, जोहार गांव में से, और अब हम जाएंगे इस तरफ से। तो इस रास्ते को भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है। ऐसा सुनने में आया कि यहाँ पे ना रात को हमें लेपर्ड वगैरह देख सकते हैं रोड पे, देखते हैं भाई अभी कुछ मिलेगा या नहीं। वैसे रास्ते दोनों ही खराब है, वो बता रहे थे दोनों रास्ते टूटे हुए हैं, वो तो हमने देख लिया खराब है, ये वाला भी खराब ही है। ये हो गया खराब रास्ता स्टार्ट। एक लेपर्ड दिख जाए तो बस मजे ही आ जाएंगे फिर तो।